न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गुरु पूर्णिमा और 25 करोड़ वृक्षारोपण पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। कहा, जलवायु वातावरण को शुद्ध रखने में पौधों की है विशेष महत्ता। कार्यक्रम को सफल बनाने वालों को दिया साधुवाद। दो दिवसीय दौरे पर रविवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरुओं की पूजा अर्चना। गुरु गोरखनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का लिया आशीर्वाद। पर्यावरण वन एवं जलवायु संरक्षण कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री व गोरखपीठाधीश्वर ने महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में किया पौधारोपण। कहा, जलवायु एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं पौधे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने कहा, कोरोना की वजह से धीमी पड़ी निर्माण कार्यों में आई तेजी। मेट्रो का DPR भी है तैयार, जल्द रखा जाएगा कैबिनेट में। वन महोत्सव के तहत रविवार को चिड़ियाघर में नगर विधायक सहित जिला व पुलिस प्रशासन ने लगाए लगभग 40,000 वृक्ष। जिले में 37 लाख वृक्ष लगाने के हैं लक्ष्य। कोतवाली पुलिस ने ATM तोड़कर पैसा लूटने का प्रयास करने वाले 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SP City ने किया खुलासा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को आयोजित हुआ वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम। जिले के नोडल अधिकारी दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने किया पौधारोपण, दिया शुद्ध पर्यावरण का संदेश। वन महोत्सव के अवसर पर मंडलायुक्त ने अपने आवास पर परिवारजनों के साथ किया पौधारोपण, स्वच्छ पर्यावरण का दिया संदेश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, सुमेर सागर ताल को अवैध कब्जे से कराया जा रहा है मुक्त। भू माफियाओं को चिन्हित कर की जा रही है कार्रवाई। मॉडर्न ताल के रूप में किया जाएगा विकसित। रोडवेज के मुख्य प्रधान प्रबंधक प्राविधिक नोडल अधिकारी गोरखपुर क्षेत्र जयदीप वर्मा द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर जिले में रविवार को मिले 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 436, जबकि 282 हो चुके हैं डिस्चार्ज। 13 लोगों की हो चुकी है मौत। एक्टिव केस 141। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। पुलिस परेड ग्राउंड में DIG रेंज राजेश डी मोरक के नेतृत्व में गोरखपुर पुलिस द्वारा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुलिस के आला अधिकारियों ने किया वृक्षारोपण। रोडवेज के मुख्य प्रधान प्रबंधक प्राविधिक नोडल अधिकारी गोरखपुर क्षेत्र जयदीप वर्मा द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय परिसर में किया गया वृक्षारोपण। कहा, ये हर एक नागरिक का है कर्तव्य, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए करें पौधारोपण। मेडिकल कॉलेज में सुसाइड करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के परिजनों से मिले ADM City और तहसीलदार सदर, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए SP City डॉक्टर कौस्तुम ने शिव भक्तों से की अपील। कहा, सावन के सोमवार में घरों में ही करें शिव आराधना।